दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से अधिक समय से धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि 6 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत के मुताबिक किसानों को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करना है तो ऐसे में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का सवाल ही नहीं उठता। ये ऐलान राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। इससे पहले यूपी गेट पर कृषि कानूनों के विरोध में 28 नवंबर से चल रहे धरने में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों की खासी भीड़ देखी गई, जो बुधवार को भी बरकरार है। इस मौके पर मंच से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि 6 फरवरी को पूरे देश में किसान चक्का जाम करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर की गई तारबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस किसानों की रोटी व अनाज की तारबंदी कर रही है, धरना स्थल की किलेबंदी की जा रही है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर मंच से ऐलान किया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो नवंबर तक आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रदर्शन का हेडक्वार्टर सिंगू बॉर्डर है और वहां से जो तय किया जाएगा प्रदर्शनकारी उसी हिसाब से चलेंगे। टिकैत ने कहा कि हमारी ये लड़ाई भाषा की नहीं बल्कि भाव की है, इसीलिए हमारी भावनाओं पर ध्यान दिया जाए ना कि भाषा पर। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।